साद्वैतं सावलोकं करी जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितहंस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नाम्ने श्रीकृष्णलीलाकथनसुदक्ष अवदार्यमाधुर्यगुणैसंयुक्तं वरं वरेण्यं कुरु शर्मः नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थचरित्राय स्वाश्रितानञ्च पालिने जीवदुःखे सदात्राय ह्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरकेश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गभरायते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारिद कृपा वारी धनी बंदित गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद श्रीहरि कीर्तनी
राय नागना महामत मने रोमांचक पात्रु आय गौर प्रेमी बंदिशे गुरु चरण कमल सदारतनी विग्रह सेवनी श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करेणनी युक्त अनुगत जनी बंदिशे गुरु चरण कमल सर्वसुशल समय प्रसाद कृष्ण अति स्वादु है भक्त आस्वादनी निज त्रिस्तर बंदिशे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चित जिनी हन प्रतीक्षणी बंदिशे गुरु चरण कमल व्रज जुग द्वंद रति संवर्धनी युक्ति कर सखी सनि वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंदिशे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गए श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनु किंतु जिनी प्रभु प्रियतम गनी बंदिशे गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जारा प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध्या कीर्तिर तब ध्यान भाई बंदिशे गुरु चरण कमल गुरुदेवाचक अति जतन करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण कमल जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव वृंदावन वासी जग वैष्णवेर गन प्रथम वंदना करी तवर चरण नीलाचल वासी जग महाप्रभु गन भूमि से प्रिया बंद सवार चरण नव दीपवासी जग महाप्रभु भक्त सवार चरण बंद अयानुरक्त महाप्रभु भक्त जग गौर देवर चरण बंद करिया प्रणति जे देशे वैद गौर गिर गर्धवाओ करी बंद सवर ब्रह्मा
पीछे पीछे ना सब देख देख कर गाओ, फिर सीख जाओगे भजन। सब पुस्तक देख देख कर गाओ, पीछे पीछे निकाल दो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम बोरे, निकाल दो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौरभक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौरभक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसार, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई गे आर, आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद तोके, कृपावलोकन कर हमी बर दोके, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य का, स्वरूप नाथन रूप रघु नाथ कट युग श्री जीव प्रभु लोक दया कर श्रीयाचार्य प्रभु श्री निवास, रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास, दया कर प्रभु पाद
ये माइक माइक दे दो। इकतालीस अवतार सार गोरावतार केन ना भजले तारे अवतार सार गोरावतार केन ना भजले तारे करिनी रे बात गल न पिया अपन करम फेरे कंटक रतरो सदाई से मिली मन अमृत पाइवार से प्रेम कल्प तरो श्री गौरंग अमार तारे भागली बेसे सौरभेरासे पलास सुखिले नासत पसिला के एको दंड मभी काट चुसले के मने पाए बे मीठा आया बलिया हार बोलिया गलाय पड़ी मां समन किंकर साप शीतल बोलिया आगुन पोहाली पाइली बजर ताप ना सुनले साधुर कथा संसार भजले गौरंग भूलले ना सुनले साधुर कथा
काल खोवाले खाइन अपन माथा अपन कर्म जय सपार्षद जय गौर हरि सपार्षद जय गौर हरि। हाँ अभी जो भजन गाए आपको फल्ले में कुछ पड़ो है क्या? क्या भजन था? हाँ इसमें गा रहे हैं तो भजन तो निकाल कर क्या देखो उस भजन में वो बंगला भजन है। देखो कितनी अच्छी बात है, कहते अवतार सार गोरा अवतार कनना भजनो तारे करी निरेवास गैलना पियास अपना कर्म हरे। इसका मतलब कह रहे हैं कहते जो कलयुग है, जो कलयुग है हैं, ये कलयुग में कहते हैं जितने अवतार आए हैं, जैसे भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, मत्स्य कुर्मा बराह बामन, कितने अवतार ठाकुर जी के कितने अवतार आए, अवतार असंख्य असंख्य अवतार है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन ये जितने सारे अवतार में सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन है? कहते श्री महाप्रभु है। हैं अवतार सार गोरा अवतार, ये महाप्रभु का अवतार सबसे श्रेष्ठ अवतार। बोले कन्ना भजन उतारे, भैया इतने जो अच्छे अवतार है, इतने अवतार है जो मार खा करके भी प्रेम दिया। कृष्ण को थोड़ी सी कुछ बोल दिया ना चक्र एकदम उठा लिए, भगवान राम को हैं थोड़ी सी कुछ हो गया तो धनुष उठा ली, अरे सब खत्म। लेकिन महाप्रभु किसको मारे ही नहीं, सबको प्रेम दिया, सबका हृदय को परिवर्तन करके हृदय में महाप्रभु ने प्रेम दे दिया। इसलिए बोले माधाई मारे, बोले मेरे छी कल सिर काना ताई, बोले कि प्रेम दी बना, भले ही तुमने सर फोड़ दिया भैया, एक बार तो महाप्रभु का नाम तो ले लो, एक बार तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार केवल प्रभु का नाम ले लो बस, तुम्हारे सारे पाप को उद्धार कर दूंगा और कुछ करने का जरूरत नहीं। मतलब इतने दयालु हुए, मार खा करके भी उन्होंने सबको प्रेम दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे अवतार को क्यों भजन नहीं करते हो, हैं ऐसे अवतार को तो भजन करो, महाप्रभु का तो भक्ति करो। बोले करी निरे बास गलना प्यास अपना करम फरे, पानी को अंदर में रह रहे हैं लेकिन हमारा प्यास नहीं बुझ रहा है, पानी का अंदर में है लेकिन प्यास नहीं बुझ रहा है, हैं इसका मतलब है महाप्रभु कलयुग में इतने दयाल करके आए कलयुग में, हम उनको तो भक्ति कर सकते हैं लेकिन पानी को अंदर में रहते हुए भी हमारे प्यास नहीं बुझ रहे हैं, मतलब महाप्रभु का हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको उसको बाद में कहते बोले कंटक करे तरु सदाई से भी लिमन अमृत पाई वाला से। देखो तुमने क्या किया, महाप्रभु का भजन छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, क्या क्या बोले कंटक करे तरु, कंटक करे तरु मतलब है जिस वृक्ष में कांटा हो, जैसे बबलू का पेड़ है, कुछ कुछ वृक्ष होता है ना जिसमें जिस पेड़ में कांटा होता है, बोले तुमने कांटा की पेड़ को तो पूजा कर लिया है। कांटक करे तरु सदाई सबली मन अमृत परिवार, इसका मतलब है उन्होंने ये दुनिया को उदाहरण देते ही संसार ये कांटा की वृक्ष है लेकिन तुमने उसको ही तुमने सेवा करना शुरू कर दिया, किस लिए? शायद अमृत हमें मिलेगा, हैं अमृत मिलेगा। लेकिन प्रेम कल्पत और श्री गौरांग अमार तहारे भाविल विषय, कहते महाप्रभु कैसे हैं?
कहते प्रेम की कल्प वृख्या है। ये महाप्रभु प्रेम की कल्प वृख्या है। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांगा अमार, महाप्रभु तो प्रेम की कल्पतरु, लेकिन तुमने उसको जहर मान लिया है। लेकिन जो जिसमें कांटा, तुमने वो कांटा वृक्ष को तुमने पकड़ लिए और अमृत को तुमने छोड़ दिया तुमने। इसलिए बोले सौरव भैर आसे पलाश सुखिलिमान नासाते पसिल कीट। कहते एक वृक्ष है, फूल है, कहते पलाश फूल एक वृक्ष है, हाँ? वो फूल है, देखने में बड़ा लाल रंग का होता है, लेकिन उसके अंदर में कीड़े ही कीड़े होते हैं। अगर तुम सोचो कि इसके अंदर में सुगंध, अगर तुमने सूंघ लिया ना, इतने कीड़े हैं तुम्हारे नाक को अंदर में कीड़े चले जाएंगे, लेकिन ये देखने के लिए बड़ा सुंदर होता है। उसी तरह कहते हैं ये जो माया की संसार है वो देखने में तो ऊपर बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अंदर में हाथ डालोगे ना जहरी जहर है, उसमें जहरी जहर है। इसलिए तुमने सौरभ भर आशीष, तुमको लगा शायद ये माया में शायद बड़ा सुगंधी है, इसी आस से तुमने पलाश फूल को मतलब देखने के लिए माया तो अच्छी लगती है, लेकिन तुमने सूंघ लिया तो नासा में नासिका में सारे कीड़े तुम्हारे घुस गए, फिर तुम्हारी बीमारी में पड़ गई है। लेकिन इखो दंड भावी काठ चूसली, इखो दंड मतलब गन्ना है, गन्ना तुमने गन्ना को चूसोगे तभी तो उससे जूस निकलेगा। अगर तुम्हें लकड़ी को अगर गन्ना मान कर चूसोगे, लकड़ी में थोड़ी रस है, लकड़ी तो लकड़ी है ना, इसलिए तुमने गन्ना को तो त्याग दे दिया। गन्ना मतलब महाप्रभु की भक्ति, महाप्रभु का भक्ति प्रेम का रस है। अगर महाप्रभु का भक्ति करोगे तभी तो तुमको जूस मिलेगा, तो लेकिन महाप्रभु का भक्ति छोड़ करके तुमने माया को सोच लिया शायद यही गन्ना है, उसको चूसा तो क्या दांत टूट जाएगा तुम्हारे, हैं दांत टूट जाएगी। इसलिए काट चूस ली कबन पाई भी मीठे, तो तुमको मीठा मिलेगा कैसे। भले हार बोलिया गलाए पड़ी ली मन समन किंकर साप, जिसको तुम हार समझ रहे हो, हमने क्या किया ये माया को हार मान करके गले में हमने पहन लिया। बोले ये हार नहीं, ये समन किंकर साप, ये काल सर्प है जिसको तुम गले में पहन रहे हो, ये माया को, ये क्या है, ये काल सर्प है जिसको तू हार मान करके पहन रहे हो। इसलिए शीतल बोलिया आगनु पहाली, तुमने सोचा शायद ठंडक मिलेगा, लेकिन आग को पास में जाकर सोचा ठंडक, ये माया के संसार को उदाहरण दिया, ये आग है। तुम सोचा शायद ठंडा मिलेगा, लेकिन ठंडा क्या मिलेगा, पायली वज्र ताप, उस वहां पर वज्र तुमको जैसे वज्र गिरता है ना, हाँ जैसे वज्र गिरता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, वज्र वज्रपात होता है, हाँ कहती है तुमको पर में क्या हुआ, पायली वज्र ताप, वहां पर तुमको जैसे वज्र गिरा। कहते संसार भजली गौरांग भूलिली ना सुनली साधुर कथा, हमने क्या किया, हमको माया को संसार को तो भजन कर लिया, लेकिन महाप्रभु का हमने भजन नहीं किया। साधु लोग हमको समझा है, देखो भगवान की भक्ति करो, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करो, बड़ा शांति बड़े सुख मिलेगा, लेकिन साधु का बात हमने नहीं सुना है, नहीं सुनकर क्या सोचा शायद माया में हमें शांति सुख मिलेगा, तुमने माया को ही पकड़ लिया। इसलिए यह परकाल दुकाल ख्वाली, यह परकाल मतलब इसी जगत को और परकाल मतलब भगवत जगत को, हमने दोनों को ही हमने आतस में नहीं हमने खुआ दिया। खाई ली अपना माथा, अपना सर को हमने खाए, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना सर खाना, हाँ। इसलिए कहते कहते हैं खाई ली अपना माथा, मतलब अपना सर को हमने खाया, मतलब है हमने भगवान की भजन नहीं करके इसी दुनिया को और उसी दोनों दुनिया ही हमारे हाथ से दोनों से गया। इसलिए इसमें कह रहे हैं अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, महाप्रभु कल्पतरु है, कल्पतरु मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा, इसलिए महाप्रभु का चरणों को भजन करो, इसमें ही तुमको जीवन में शांति और सुख, इसमें तुम्हें शांति सुख मिलेगा। इसलिए बंगला जो कीर्तन है ना, अगर उसको समझ कर गाओगे ना, बहुत रस है, रसी रस है इसमें, रसी रस है। इसलिए हमारे गोस्वामी ने जो जो यहाँ पर सब भजन को लिखे बहुत अच्छी अच्छी हैं, जीवों को चेतनता दे करके, चेतनता दे करके, ये चेतनता भजन है, ये सारे सब
चेतनता पूर्ण भजन है, जिसको जीवन में अपनाओगत जीवन में दिव्य चेतनता की प्राप्ति होगी। ठीक है, बोलो। भज भज हरी मन दृढ़ करी, मुखे बोल तारना। भज भज हरी मन दृढ़ करी, मुखे बोल तार नाम। ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्राण धना, ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्राण धना, ब्रजेंद्र नंदना गोपी प्राण धना। कखन मारिबे के मने तारिबे, विषम समन डाके। जहर प्रतापे भुवन कांपे, ना जानी मरवे पाके। कुल धन पैया उन्मत आया, अपना के जान बहर। चमन रदुते धरी पाए हाते, बंदिया करिबे जाड़ा। बाजती सती की बानी सजती, जय हरि नहीं भजे। तब जनमिया भ्रमिया भ्रमिया, रौरव न रखे माजे। ए दास लोचन भावे अनुक्षण, वृथाई जनम गेला। हरि न भजिनो विषय मजिनो, हरि न भजिनो विषय मजिनो। हृदय रहल सेल, भजिनो विषय मजिनो, हृदय रहल सेल। जय हरि नम, जय कृष्ण नम, हरि नम, जय कृष्ण नम, लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर।
तो ललित गाओ। खांसी हो रही है, क्या चक्कर है सब गा सकते? और कौन कौन गा सकते? तुम गा सकते हो कोई? मेरा गला भी। हाँ मनीषा दर कौन सा वजह? हाँ गाओ देवादि देव, निकाल दो देवादि देव। देवादि देव गौर चंद्र गौरी दास देवादि देव गौर चंद्र गौरी दास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिकाते बिहारे चारु अरुण गुंजार रीत कमले गे दरे बिरिचि सब पाद पद्म लक्ष्मी से बेसागरे अंगतंति प्रातरुण अंबरे मजरा बजाओ प्राजी कानो राग प्रेम भक्ति बांधा जे करे सुत गौरचंद्र आनंदिता अंतरे पाषंड खंड नित्यानंद असंगे रंगे जे धरे नित्यानंद गौरचंद्र गौरी दास मंदिर आ गौरी दास करत आस सर्व जीव उधारे जय गौरी दास जय गौरी दास गौरी दास जय गौरी दास। देखो ये बंगला कीर्तन है, समझ में आया? देवादि देव गौरी चंद्र गौरी दास मंदिर। आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में कौन कौन गए हो? कौन कौन गए? कौन कौन गए नवद्वीप परिक्रमा? और अंबिका कौन कौन गए? मेरे साथ में गए थे अंबिका कालना, गए थे ना? तुम गए हो? नहीं गए अंबिका कालना? नवद्वीप गए थे? नवद्वीप हाँ, इसलिए एक बार गए, इसलिए हम लोग परिक्रमा से जब पहले थोड़ी सी एक दो दिन पहले आने से फिर मैं सब भक्तों को लेकर जाता हूँ। एक स्थान का नाम है अंबिका कालना,
वहाँ पर श्री गौरीदास वहीं पर रहते थे। ये गौरीदास कौन है ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये गौरीदास कौन है? कहती है कृष्ण लीला में कृष्ण का प्यारे सखा। कौन सा सखा? बोले उनका नाम कहते सुबल सखा है। कृष्ण की बहुत सारी सखा है, उनकी अब सुबल सखा है। जो सुबल सखा थे महाप्रभु जब कोई कृष्ण आए फिर उनको ये सुबल सखा बन करके आए। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद पर उनका घर में गई, उनको प्यारे बहुत प्यारे दोस्त है, हैं जब दोस्त है वो क्या करते थे रोज रोज इधर जैसे एक दो सब्जी बनाते ना बंगाल में ऐसे नहीं, चार पांच तरह का तो भाजी बनाएंगे, रस्सा का सब्जी तीन चार तरह का, दाल भी तीन चार तरह का बनाएंगे, हैं सुक्त बनाएंगे जिसमें करला डाल करके, हैं इसलिए बहुत तरह का खाना बनाते हैं। इसलिए उन्होंने रोज रोज इतनी इतनी सुंदर सुंदर खाना बना बना करके महाप्रभु को खिलाते। बेचारा अभी वृद्ध हो गए लेकिन उसे चला नहीं जाता है, लेकिन तब भी महाप्रभु का सेवा है इतने अनुराग से करते थे, इतने अनुराग से। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब गए दोस्त है उनको कभी घर से छोड़ना नहीं चाहते, रोज रोज बढ़िया बढ़िया उनको खाना बनाएंगे खिलाएंगे। और उनको घर से अगर जाना चाहेगा ना बोले हम चलते हैं बहुत दिन हो गया अभी हमको तो जगत में प्रचार करना है, ये बोल देते हैं प्रभु आज मत जाओ कल चले जाना। लेकिन जब फिर कल होता है फिर चल बोले आज नहीं प्रभु कल जाना, इसलिए उसका नाम मतलब कालना। कालना मतलब बोलते कल जाऊंगे, जब कल आता ना बोले ना बोले आज नहीं फिर कल जाइए। घर से निकलने नहीं देते थे दोनों को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। बोले देखो हमको तो जाना ही पड़ेगा, बोले मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता घर से। तब बोले एक काम करो नीम की तुम दो मूर्ति बनाओ, नीम का पेड़ से हम जैसे दोनों भाई हैं ना नित्यानंद प्रभु महाप्रभु दोनों मूर्ति बनाओ। तब उन्होंने दोनों मूर्ति बनाए, देखो कैसे जब दोनों मूर्ति बनाए बोले चार ही पत्ता लगाओ, पहले केले का पत्ते में खाते थे चार ही पत्ते लगा और चार ही पीढ़ी पीढ़ी में बैठ करके पहले भोजन करते थे, पीढ़ी लगाओ चार ही पत्ता लगाओ जिसमें खाना परसो। बोले चार ही पत्ता क्या होगा, बोले हम चार ही है ना, दो मूर्ति हो गए नीम की और हम दो भाई जो मूर्ति थे वो भी बैठ करके भोजन किया, मतलब इतने शक्ति प्रकाश उन्होंने किया। तब उन्होंने बोले बताओ हम दो मूर्ति है नीम की लकड़ी के और हम दो भाई, बताओ तुम किसको घर में रखना चाहते हो? बोले मूर्ति से क्या मतलब, आपको हम रखेंगे, आप मेरे घर में रहो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। इतना जो बोला है ना जो मूर्ति थी ना लकड़ी की वो चलना शुरू कर दी और वो जो दोनों भाई ये मूर्ति बन गए और जो मूर्ति था दोनों चलते चलते चलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोले ये क्या हो गया, ये तो हम बन गए स्टैचू मूर्ति और जो मूर्ति थे वो चलना शुरू कर गया। तब भागते भागते बोले कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। बोले हमको रख लिया ना तुमने, हम तो रख रहे मूर्ति तो जा रहे। बोले नहीं आप ही रहो घर में। जब वो दोनों को उन्होंने रख दिया घर में फिर ये जो दोनों मूर्ति बन गए थे ना ये भी चलना शुरू कर दिया। फिर जब चलना शुरू कर दिया फिर भागे बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तुम हमें रख दिया ना हम जा रहे हैं। बोले नहीं आप ही रह जाओ। जब इनको रोक दिया देखा जो मूर्ति थे वो फिर चलना शुरू कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे ओरिजिनल उनको तो रख लिए और जो मूर्ति बनाया था ना ये मूर्ति दोनों चलते चलते यहाँ से चले गए, वहाँ से ऐसे वहाँ पर है अभी भी वो जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आप जाओगे अभी वो मूर्ति वहीं पर खड़े हुए देखे ना। हाँ वो जो नाव में बैठ करके हम गंगा पार किया था ना, नाव में बैठ कर गंगा पार किया था, गंगा पार करके उस तरफ में गए नीम का वृक्षा में प्रणाम किया जहाँ पर उन्होंने बैठे थे। हाँ इसलिए जो अभी जो भजन गा रहे थे ना वहीं के भजन हैं, देवादिदेव गौर चंद्र गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिकाते बिहरे, वो भजन गा रहे हैं। कैसे अंबिका उस्थान का नाम अंबिका कालना है, वहाँ पर कैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके घर में कैसे निवास करते थे, वो क्या करते थे नहीं करते थे, जो भजन गा रहे हैं ना कितना बढ़िया भजन, समझ में आ गया। हाँ जब जब ये भजन को याद करना गाओगे वहाँ की याद कर लेना, अरे वहाँ की भजन है ठीक है। हाँ बोले जय राधे जय जय म
माधव गईते जय राधे जय जय गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहि जय राधे जय जय माधव दैते जय राधे दामोदर राति वर्धन वेते हरि निकुट वृंदाभिपिनेते दामोदर हरि निकुट अवृत भानुदाति नवतसि लेखे ललित के गुण रमिता विताके वृत भानुदाति करुणा भरे ते कनक कनक वर्णित चरिते करुणा हरे 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 राम 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 हरे हरे सब पीछे पीछे बोलो जोर जोर कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ज्ञानितमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हाँ हरि बोल जनार्दन जनार्दन पर कहाँ गया जैसे बुला कर ले आ जा। सर्वप्रथम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पादाष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे कहते जो श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे थे, हम लोगों ने भागवत की महिमा दो दिन तक सुने हैं, थोड़ी बहुत याद है, बाद में सुनेंगे, कौन बोल सकता है देखूंगा। इसलिए हम लोगों ने दो दिन तक भागवत की महिमा सुने और एक दिन ही हम लोगों ने सुना भागवत जो आशीर्वाद, उसमें पहले उन्होंने तीन श्लोक बताए। कितना श्लोक बताए? तीन श्लोक है।
कहते जो पहला जो श्लोक है भागवत का, कहते ये श्लोक ध्यान, ध्यान मतलब होता है, हाँ ध्यान मतलब होता है, ये भागवत का इष्ट कौन है, भागवत का इष्ट कौन है, इसलिए इसको कहते हैं ध्यान। और बस संबंध, संबंध मतलब होता है हम किसको साथ में नाता जोड़ेंगे, नाता हम किसको साथ में जोड़ेंगे, बोले सबको साथ में नाता नहीं जोड़नी चाहिए, नहीं दुख भोगना पड़ेगा। अगर जो नश्वर वस्तु है, एक दिन नाशवान वस्तु, अगर उसको साथ में नाता जोड़ेंगे तो फिर नष्ट हो जाएगा तो दुखी होएंगे। इसलिए नाता किसको साथ में जोड़नी चाहिए, बोले सत्यम परम धीमही, कहते जो परम सत्य जो भगवान है केवल उनको साथ में ही हमें नाता जोड़नी चाहिए, नाता सबसे नहीं जोड़नी चाहिए। इसलिए जो भागवत का जो पहला जो श्लोक है वो बोले सत्यम परम धीमही, वो परम सत्य जो भगवान कृष्ण, उनको साथ में हमारी नाता उनको साथ में जोड़नी चाहिए, केवल कृष्ण नहीं उसका साथ में श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमारे जो संबंध है, जो पहला जो श्लोक है ये संबंध श्लोक है, हमारे जो संबंध केवल राधा कृष्ण के साथ में ही संबंध है, वो परम सत्य है। कहते जो दूसरा श्लोक जो मंगलाचरण है, कहते ये क्या है मंगलाचरण का दूसरा श्लोक, कहते ये अभिधेय, अभिधेय मतलब होता है जितने ग्रंथ पढ़ तीन चीज मिलेगा, एक संबंध, एक अभिधेय और एक प्रयोजन। कहते हमारी अभिधेय मतलब होता है साधन, बा उनको प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का उपाय क्या है, केवल भगवान है अभिधेय, दूसरा श्लोक अभिधेय है। इसलिए उसमें बताया कैसे हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, केवल प्राप्त कर सकते हैं केवल ये भागवत को आश्रय करने पर। हाँ ये भागवत को अगर कोई श्रवण करे, यहाँ तक भी बोले सुने ही नहीं, घर में बैठे हो आपको पता चला कहीं भागवत कथा हो रही है, अगर केवल सुनने की इच्छा हो गया तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो भागवत का जो दूसरा श्लोक है अभिधेय है, जो भगवान को हृदय केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान जिनके हृदय में बंध जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, हैं? अगर सचमुच से कोई आ करके भागवत कथा में बैठ करके कथा सुनने लग जाए, कहते उसकी महिमा तो बता ही नहीं सकते, कितने सौभाग्य बात जो आ करके बैठ करके कथा सुनते हैं। और जो तीसरा जो श्लोक हम लोगों ने सुना था वो क्या था, बोलो जो तीसरा श्लोक है उसको क्या था, एक संबंध, एक अभिधेय और तीसरा क्या है, हाँ प्रयोजन। इसलिए हमारी प्रयोजन किया, बस तीसरा श्लोक प्रयोजन है और जो तीसरा श्लोक आशीर्वाद, ये क्या है, ये आशीर्वाद हमें भगवान, क्या आशीर्वाद हमें भगवान देते हैं, ये तीसरा श्लोक हम लोग ने सुना था, ठीक है। आज से हम लोग थोड़ी सुनेंगे, उसको बाद में जैसे तुम लोग जैसे कि भागवत कथा कहीं करोगे, किस रूप में शुरुआत करोगे, पहले जन्मादश श्लोक उस श्लोक को व्याख्या करनी चाहिए जितना संभव है, दूसरा श्लोक है धर्म प्रोजीत कैतवत्र, अगर धर्म कहीं है केवल भागवत में, इसलिए पहला शब्द धर्म, इसलिए अलग अलग ऋषि मुनियों ने धर्म के विषय में बहुत कुछ बात बताई, लेकिन कहता अगर कहीं वास्तव धर्म है, सही धर्म कहीं है, किस में, केवल भागवत में, इसलिए इसका पहला जो अक्षर है धर्म, प्रोजीत कैतव अत्र है, जिसमें कोई कपटता धर्म को जो स्थान नहीं दिया, केवल भगवान की भक्ति प्रेम ही, जिसमें केवल विषय वस्तु केवल भगवत प्रेम जिसमें है और किसी उसमें कुछ है ही नहीं। और जो तीसरा जो श्लोक था हमें प्रयोजन व भगवान हमें क्या भागवत आशीर्वाद क्या देता है, ये तीन श्लोक हो गया, ठीक है। फिर उसको बाद में कथा आरंभ होता है, उसको बाद में ये कथा को कोशिश करना जितना दूर हो सके ये कथा को याद करने के लिए, ठीक है। देखो इसमें इसका जो पहला श्लोक ओम नैमी से, इस श्लोक को याद करना है, ये श्लोक को ओम नैमी से अनिमी से क्षेत्र याद है, ऋषयः
शौनकादय स्वर्गम ओम नैमी से अनिमी से क्षेत्र विषय शौनकादय, उसके बाद में स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, यहाँ से भागवत शुरू होता है। लेकिन जब यहाँ से शुरू हुई है, इसका जो पहला शब्द ओम, क्या शब्द है ओम, कहती जो ओम शब्द ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की जो कंठ से अगर कोई शब्द पहले निकला, कहते वो दो शब्द निकला, क्या शब्द निकला, एक तो ओम और एक अथ, जो ओम और अथ ये दो शब्द सर्वप्रथम ये ब्रह्मा की कंठ को भेद करते हुए ये शब्द निकला है। इसलिए ओमकार को पहला शब्द ओमकार को कहते हैं। जो ओम में तीन अक्षर है कि क्या क्या है, अ उ म, अ उ म, इसमें ये तीन अक्षर, कहते ये अ उ म में है क्या चीज, इसको सर्वप्रथम शब्द बताए। ये अ उ म में क्या, बोले अ बोले अकार उच्यते कृष्ण, उसमें जो तीन अक्षर है अ, कहते अकार उच्यते कृष्ण, कहते उसके बाद में उ बोले उकार उच्यते राधा, है अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार उच्यते राधा और मकार जीववाचक, कद अकार अ उ म, अ में अकार उच्यते कृष्ण और उ में श्री राधा रानी और जो म में ये जीव, मतलब जीव भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, बोले जब तक ये जीव राधा रानी को आश्रय नहीं करेगा वा गुरु जी को आश्रय करके आ मतलब कृष्ण, तभी ये जीव कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। आ उ और म, और उसको कौन सा शब्द निकला अथ, कहते ये दो शब्द सर्वप्रथम निकला है ब्रह्मा जी के कंठ से भेद करते हुए है। कहते ये जो शब्द दो शब्द है, ये दो शब्द को मांगलिक शब्द कहते, मंगलवाची शब्द ये है। इसलिए यहाँ से कथा शुरू होती है ओम नमी से अनिमी से क्षेत्र। कहते एक समय जो शौनकादि ऋषि लोग थे, अपना प्रातः कृत्य जैसे स्नान करना, तिलक लगाना, संध्या वंदना आदि करना, कहते इन लोगों ने एक समय अपना प्रातः कृत्य करते हुए अपना आसन में बैठे हुए थे। इतने में श्री सुत गोस्वामी हैं, कहते बड़े भाग्य से वहाँ पर श्री सुत गोस्वामी आए। जो सुत गोस्वामी आए, इसलिए दो सूत है, कितना सूत है, कौन कौन है, हाँ एक है लोमवर्षण सूत और एक है उग्र सभा सूत। देखो अगर तुम भागवत कथा करोगे ना ऐसे ही बोलना, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश किया विश्वनाथ पिठागर टीका को यहाँ पर ये करने के लिए। इसलिए उसमें दो सूत है, एक उग्र सभा सूत और एक है लोमवर्षण सूत। कहते जो उग्र सभा सूत है, उग्र सभा मतलब जिसका एक बार जो सुन लिया, उग्र मतलब जो एक बार सुन लेते हैं वो कभी इस चीज़ को भूलते नहीं, एक बार सुन लिया तो बस उसको कंठस्थ कर देते हैं। इसलिए उग्र श्रवा जिसका सुन स्रोत श्रवण जिसको बड़ा उग्र तेज, इसलिए उनको उग्र श्रवा कहते हैं। और एक है लोमहर्षण सूत, कहते इनका पिताजी के नाम था श्री लोमहर्षण सूत है। बोले एक समय ये नैमिष अरण्य में ये लोमहर्षण सूत भागवत कथा कर रहे थे, जब कर रहे थे इन भागवत ने पुराण पढ़ रहे थे और भगवत इच्छा से श्री बलदेव प्रभु वहाँ पर आए। लेकिन बलदेव प्रभु को देख करके उन्होंने सम्मान नहीं किया, बोले आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, हम तो भागवत कथा हम तो पुराण सुना रहे हैं, ये थोड़ी बड़े हैं। लेकिन नियम क्या है, अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए वा गुरु जी कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए क्या करनी चाहिए, भागवत को ही पर बंद कर दो, भागवत को वा कौन कोई भी कथा सुना रहे उसको बंद कर दो, बंद कर क्या करो श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मान दो पहले उनको, क्योंकि भगवान तो भक्तों का हृदय में तो भगवान है ना, इसलिए उनका आदर करनी चाहिए। लेकिन उनका आदर नहीं दिया, इसे बलदेव प्रभु ने देखा तुम तो पुराण पढ़ रहे हो लेकिन लगता है कोई शुद्ध वैष्णव का अनुगत्य तुमने कभी नहीं किए हैं। अगर किसी वैष्णव का अनुगत्य अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो शिक्षा देते हैं वैष्णव को सबसे पहले सम्मान, वैष्णव को गुरुदेव को पहले सम्मान दो,
अगर शुद्ध परंपरा में अगर आएंगे तो ये चीज सीखा मिलेगा, अगर नहीं आएंगे ना फिर तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे हैं। इसलिए हैं, कोई पढ़े कोई मरे कोई तरे, इसलिए कोई मरता है कोई तरता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि घास को उठाया और उन्होंने गला को काट दिया, हाहाकार मच गया। इतने में बोले हम पुराण कहाँ से सुनेंगे, बोले कोई चिंता मत करो। उनका छोटा बालक था, 5 साल का बच्चा था, उनको उन्होंने बुला दिया, उनको सर पर बलदेव प्रभु हाथ रखे और उनको व्यास गद्दी पर बैठाए, बोले बोलो बस धड़ाधड़ धड़ाधड़। उन्होंने सारे पुराण सुनना शुरू कर दिया। इसलिए ये कौन है, कहते श्री उग्र सभासुत। इसलिए जब श्री उग्र सभासुत वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आने पर उन लोगों ने क्या किया, उनका आसन देख करके बैठा है, पूजा किया, पूजा करके उनको ये कह रहे हैं, बोले देखो आप अपना गुरु जी की कृपा से ही ये जितने शास्त्र ये सब कुछ आपने अध्ययन किया और व्याख्या किया है, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं, इसलिए एक श्लोक तुम लोग ने और एक श्लोक इसको लिख लो। ये श्लोक है व्यथत्वम व्यथत्वम सौम तत्सर्पम तत्त्वम तदनुग्रहात तत्त्वम तदनुग्रहात ब्रूहु सिद्धस शिष्यस्य ब्रूयु सिद्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यमप्युत शिष्यस्य गुरवः गुरवः गुह्यमप्युत। इसको अगर भागवत में है, इसको हम दिखा देंगे, वहाँ से लिख लेना, ठीक है, अच्छे तरह से ये श्लोक को याद करना। इसका मतलब होता है, यहाँ पर कह रहे हैं जो शास्त्र का जो रहस्य को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई सोचेगा नहीं हम तो लिखे पड़े हैं, हमें कोई गुरु वैष्णव का अनुगत्य करने का जरूरत नहीं, हम पढ़ कर खुद समझ लेंगे, बोले नहीं ये ब्रह्म विद्या है और ये गुरुमुखी विद्या, भागवत को गुरुमुखी विद्या बताए, मतलब क्या है, ये गुरु परंपरा से ही ये विद्या आती है धीरे धीरे हैं, ये अपने आप पढ़ करके सीखने का चीज नहीं। इसलिए कहते हैं किसके हृदय में ये सारे शास्त्र स्फूर्ति होता है, बोले सिद्धस्य शिष्यस्य, जो शिष्य का हृदय कोमल है, हृदय सरल है, सेवा वृत्ति जिसके हृदय में हो उसके हृदय में ही ये सारे शास्त्र अपने आप हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं आप तो गुरु जी की कृपा से ही हैं, गुरु जी की कृपा से ही ये सारे रहस्य गुरु जी की कृपा से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे, सुतो गोस्वामी सबसे पीछे बैठ करके कथाओं को श्रवण, कल सबरी की कथा सुन रहे थे ना, उसी तरह ये भी जैसे सबरी के हृदय में श्री उनको गुरु जी की सारे कृपा उनके हृदय में परिस्फुट हुआ, उसी तरह ये भी कौन है, ये सुत, सुत मतलब क्या है, क्या, हाँ इसलिए जो रथ चलाते छोटे जाति के, हाँ कहते थे ना वो कर्ण को बोलते थे तो सुत पुत्र हो, मतलब जो सारथी का जो सारथी जो होते हैं वो सूत उनको कहते हैं, ये छोटे जाति है, लेकिन होने पर भी इनके हृदय में ही ये सारे तत्व ज्ञान इनके हृदय में स्फूर्त हुआ और बैठते थे सबसे पीछे हैं, लेकिन इनके हृदय में सब कुछ स्फूर्ति हुआ। इसलिए यहाँ पर कहते गुरु जी की कृपा से ही हृदय में ये सारे शास्त्र ज्ञान गुरु जी की कृपा से ही हृदय में स्फूर्ति होता है। लेकिन शिष्य का हृदय कैसे, कपटता नहीं रहनी चाहिए हृदय में, कपटता नहीं रहनी चाहिए, हृदय सरल होनी चाहिए। जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य जिसको अंगुल काट दिया ना, बोले क्यों काट दिया, बोले ये विद्या को चोरी किया, विद्या को उसने चोरी किया था, इसलिए उन्होंने उनका अंगुली को जितने विद्या सीखा था सारे विद्या को उन्होंने नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं हृदय हमारी सरलता होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी हृदय में ये सारे वस्तु हृदय में प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं आपका हृदय में है कोई किसी भी कोई चीज की बाकी नहीं रह जाता है,
उसका हृदय में सब कुछ उसका हृदय में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर श्री सौनकाद ऋषियों ने सुत गोस्वामी को यहाँ पर 6 प्रश्न करते हैं, और ये जो 6 प्रश्न ही का ये जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत पूरा है। 6 प्रश्न किया है, ये 6 प्रश्न को लिख लो, 6 प्रश्न को एक एक करके लिख लो। हाँ, ये पहला प्रश्न है, पुरुष का ऐकांतिक श्रेय क्या है? ऐकांतिक श्रेय क्या है? देख, ऐकांतिक श्रेय का मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब होता है, जैसे कभी कभी होता है ना, चीज समझ लो, ऐकांतिक श्रेय मतलब होता है जैसे हमारे कोई मंगल हो गया, थोड़ी सी बेटा हो गया, लेकिन बाद में बेटा भी बात नहीं सुनता है, फिर लड़ाई झगड़ा अशांति, पैसा आ गया, लेकिन पैसा को लेकर कोर्ट कचहरी मामला मकदमा, फिर दुख कष्ट आरम्भ हो गया, देखना। इसलिए कहते ये ऐकांतिक श्रेय नहीं, ऐकांतिक श्रेय का मतलब होता है जो वस्तु लाभ होने पर, जो वस्तु प्राप्त होने पर कभी दुख कष्ट होगा ही नहीं, जो वस्तु पाने का बाद जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होगा, जो हर समय जो मंगलमय रहेगा, कभी अमंगल जो नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं ऐकांतिक श्रेय। मतलब जो मंगल वस्तु प्राप्त होने से जीवन का हर समय तुम्हारी मंगल ही मंगल होगा, कभी वो अमंगल हो ही नहीं सकता है, इसको कहते हैं ऐकांतिक श्रेय। कहते वो ऐकांतिक श्रेय क्या है? कहते भगवत प्रेम। ऐकांतिक श्रेय भगवत प्रेम ही जीव का ऐकांतिक श्रेय है। वो क्या है? क्योंकि प्रेम को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, और किसी चीज को द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते, केवल प्रेम से ठाकुर जी वशीभूत होते हैं। कहते ये पहला प्रश्न है, हैं? कहते जो दूसरा प्रश्न है, कहते आत्मा बा हरि जिसमें प्रसन्न होते हैं, आत्मा बा हरि जिसको द्वारा प्रसन्न होते हैं, कहते वह जो श्रोतव्य का सार क्या है? आत्मा हरि भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, इसका श्रोतव्य का सार क्या है? श्रोतव्य का सार क्या है? इसका मतलब होता है ये जो कलयुग में, इसका होता है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या, ये जो दूसरा श्लोक है इसका मतलब यही होगा, कलयुग में हम सबसे आसानी उपाय क्या है जो कलयुग में भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो सकते हैं। जो तीसरा जो प्रश्न है, हाँ हाँ वो ये पहला प्रश्न उसी में आ जाएगा, आत्मा को शांति, जो पहला प्रश्न है ना, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, वो इसके अंदर आ जाएगा। हाँ उसके, हाँ हाँ, आत्मा को शांति इसको द्वारा मिलेगा, इसको द्वारा मिलेगा, उसमें वो सब चीज़ें आएगी उसी में, इसलिए। और दूसरा जो है, हैं, मतलब कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया, बस श्रोतव्य सार किया। जो तीसरा जो प्रश्न है, भगवान वासुदेव का चरित्र हमें सुना, भगवान वासुदेव का चरित्र है, इसलिए कहते यहाँ पर जो वासुदेव का चरित्र बताए, भगवान कृष्ण एक होने पर भी भगवान कृष्ण 3 है। कहते एक है द्वारकाधीश कृष्ण, एक मथुरा से कृष्ण, और एक श्री वृंदावन का कृष्ण, जो 3 कृष्ण है इनका चरित्र को हमें है, इसलिए जीव गोस्वामी कहते अगर बोलेगा कृष्ण कथा सुना भैया, कृष्ण तो मथुरा में हुए, कृष्ण द्वारका में हुए, और कृष्ण श्री वृंदावन, ये 3 कृष्ण का कथा हमें श्रवण कराओ, ये तीसरा प्रश्न हो गया। और जो चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, हमें उनका सारे अवतारों का भी कथा हमें सुनाया करो, हैं, जितने सारे अवतार भगवान के, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह। और जो चौथा जो प्रश्न है, पंचमा जो प्रश्न है, द्वारकाधीश मथुरेश और उसे वृंदावन, कहती ये 3 कृष्ण की कथा हमें सुना,
और जो पंचमा जो प्रश्न है, भगवान का जो उदार जस है बा उनका जो उदार जो लीला है भगवान का, उनका जो उदारमय जो लीला, उनका जो जस युक्त जो लीला, हमें उसको सुनाए करो। कल उसको विस्तृत रूप में हम सुनेंगे। कल आज केवल प्रश्न सुन लो, कल उसकी एक एक का विस्तृत अर्थ है, उसका अलग 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 उसका अर्थ है, हैं भगवान का। और हो गया भगवान का जस और उदार लीला ये। और जो छठवां है, छठवां जो क्वेश्चन, भगवान जब अपना स्वधाम में चले गए, धर्म किसका शरण लिया? भगवान कृष्ण जब संसार छोड़कर चले गए, भगवान ये धर्म किसका शरण लिया? आप दोनों तो मास्टर है, कापी पेन लेकर गए। अगर हम चाहते हैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ी थोड़ी ये चीज़ वो सीखेंगे ना आप, मतलब आप ये करते थे बच्चों को पढ़ाया करते थे, अभी वही चीज़ को अभी धीरे धीरे इधर लगा दो, इधर लगा देंगे तो गांव गांव में जा करके भगवान की कथा सुनाएंगे, ठीक है ना? कापी पेन ले आना बाबा, कापी पेन ले आना, हैं कापी पेन ले आकर थोड़ी थोड़ी लिखेंगे तो कम से कम दूसरों को सुना सकते हैं, ठीक है? भाग गांव गांव में जा करके आपको लास्ट में सन्यास दे देंगे, आप दोनों को सन्यास दे देंगे। और गांव गांव में जा करके महाप्रभु का वाणी को प्रचार करना, ठीक है? फिर कल हम सुनेंगे इसका विस्तृत जो व्याख्या, हम कल सुनेंगे। ये बोल, कल बोल रहे थे जर कोई काम भी नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।